लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं और हर प्रत्याशी अपने विरोधी प्रत्याशी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मसवासी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था, तो वहीं आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का भी दौरा रामपुर रहा। कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद घनश्याम सिंह लोधी के प्रचार प्रसार में रामपुर पहुंच रहे हैं और लोगों से ज्यादा वोटों की अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। ये रामपुर के चुनाव के बारे में क्या ये बताइए, आप रामपुर आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। रामपुर की जनता ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा का चुनाव जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विकास की नीतियां हैं, रामपुर को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। इसलिए रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के मन में पूरी तरीके से। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के सारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो रैली कर रहे हैं, उसको लेकर क्या है? ये सब सपा बसपा कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। केजरीवाल की जमानत न हो रही है, इसमें रिमांड पर हैं। केजरीवाल के तमाम मंत्री जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, वहाँ कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर से जो कैंडिडेट है वो एक मौलाना है, इमाम है, वहीं आजम खान ने जिसको कैंडिडेट बनाया था उनका पर्चा भी निरस्त हो गया है, ऐसे में क्या कहेंगे? हम बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का उपक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद।